वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कैलकुलस के ऊपर, मैथमेटिक्स का जो सेकंड पेपर अपना चल रहा था कैलकुलस पे हम चर्चा कर रहे थे। यूनिट नंबर चार है और जो इंटीग्रेशन की अपन चर्चा कर रहे थे और डबल इंटीग्रेशन का जो टॉपिक था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस यूनिट में मोस्टली क्वेश्चन आपको डबल इंटीग्रेशन से मिल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन ट्रिपल इंटीग्रेशन से भी पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन और एक या दो क्लास में ट्रिपल इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं ट्रिपल इंटीग्रेशन में, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन या त्रिसमाकलन, कहने का मतलब है तीन बार आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। डबल पढ़ा था उसमें, दो बार किया था। अब इसमें देखना एक चीज, आप ट्रिपल इंटीग्रेशन वही चीज, इस बार तीन बार समाकलन दिया हुआ होगा आपको। फंक्शन एफ एक्स वाई जेड तीनों का दिया हुआ होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। आपको क्या करना है, सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करोगे, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में। ये तो कब है, जब लिमिट अगर आपको कांस्टेंट दी हुई हो, तो जो सबके लास्ट में होगा उससे सबसे पहले होगा, फिर उसका ये कांस्टेंट लिमिट के लिए। उसके बाद डिपेंड करता है ये पूरा लिमिट के ऊपर, पूरा ये डिपेंड करेगा लिमिट के ऊपर। अगर ये लिमिट आपको f x y कहने का मतलब है x और y में आपको लिमिट दी हुई है, यानी कि ये लिमिट किसकी होगी, z की होगी। तो आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में। जैसे ही z के रिस्पेक्ट में करोगे, पूरा फंक्शन आपके पास किस में आ जाएगा, x y में। अब ये लिमिट अगर आपको दी हुई है y बराबर f x से लेकर, मतलब f x के फंक्शन में दी हुई है, मतलब लिमिट किसकी होगी, y की। तो फिर किसके रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में। और लास्ट में क्या रहेगी आपके पास, लिमिट कांस्टेंट, मतलब ये किसकी होगी, x की लिमिट होगी। तो सबके लास्ट में किससे होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ ये x y का फंक्शन है तो z की लिमिट होगी, अगर ये x का फंक्शन है यहाँ तो y की लिमिट होगी, कांस्टेंट बाकी बच गई जो x का रह गया। ठीक है, अब करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। और एक चीज, जो इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन होता है वहां से अपन ने निकाला था एरिया, और जो ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है वो आता है वॉल्यूम निकालने के काम में आता है। किसी भी सरफेस का, किसी भी चीज का क्या निकालने का काम आता है, वॉल्यूम निकालने के काम ये आता है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। इवैल्यूएट 0 to a 0 to x 0 to x plus y e की पावर x प्लस y प्लस j dx dy dv। क्वेश्चन है, करते हैं। पहले एक बार बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्ट का पेपर जो हमने किया था, डिस्क्रिप्ट का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखें। जिनका अभी डिस्क्रिप्ट का एग्जाम नहीं हुआ है वो डिस्क्रिप्ट की अच्छे से तैयारी करें, और जिनका कैलकुलस का नहीं हुआ है वो कैलकुलस अपना चल रहा है और उसकी भी तैयारी बराबर करते रहे। अभी एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है तो तैयारी करते रहे, ठीक है। और अपना जो डिस्क्रिप्ट का पेपर है वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज है राजस्थान की या और अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी है, उनके स्टेट जो यूनिवर्सिटीज है उनके एग्जाम से भी काफ़ी मैच होता है, तो वहाँ से भी आप इजीली पढ़ सकते हो यहाँ। तो देखना, आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखना किसके फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, मतलब सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, जेड के रिस्पेक्ट में, यानी कि 0 to a 0 to x 0 to x plus y e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी एक्स डी वाई। क्लियर, आगे चलते हैं। 0 to a 0 to x, अब देखना इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, जेड के रिस्पेक्ट में, और e की पावर में जो भी हो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वही होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यही होगा e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, एंड लिमिट क्या रहेगी इसकी, 0 से x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। लिमिट अप्लाई करता हूँ तो देखना, 0 टू a
यहाँ z की जगह e की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस ये जीरो बन जाएगा तो e की पावर x प्लस वाई एंड dx dy ये क्या बन जाएगा e की पावर 2x प्लस वाई 0 टू a 0 टू x e की पावर 2x प्लस वाई माइनस e की पावर x प्लस वाई dx dy आगे देखना। अब ये जो फंक्शन है किसका है y का है x में है फंक्शन यानी कि अब किसके रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा तो देखना 0 टू a 0 टू x e की पावर 2 x प्लस y माइनस e की पावर x प्लस y एंड dy और dx इसका इंटीग्रेशन देखना 0 टू a ये क्या होगा इसका ये का ये e की पावर 2 x प्लस y और इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो किस में आएगा डिवाइड में माइनस और ये ऐसा वैसा e की पावर x प्लस y लिमिट क्या रहेगी 0 से x एंड dx लिमिट अप्लाई कर दो इसमें 0 टू a लिमिट लगाओगे y की जगह से रखोगे तो e की पावर 2 x प्लस x अपॉन 2 माइनस e की पावर x प्लस x फिर माइनस ये जीरो बन जाएगा तो e की पावर 2x by 2 फिर माइनस माइनस प्लस ये जीरो रखोगे यहाँ तो e की पावर x और dx इसको क्या लिख सकते हो 0 टू a e की पावर x प्लस x 2x और 2 इंटू 2 e की पावर 4x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x by 2 प्लस e की पावर x एंड ये हो जाएगा यहाँ तक एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ उसके बाद इसको इरेज करूँगा एक बार देखना सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा जेड के रिस्पेक्ट में होगा तो जेड के रिस्पेक्ट में सिर्फ यही रहेगा ये दोनों क्या रहेंगे कॉन्स्टेंट तो इसका इंटीग्रेशन ये का ये हो जाएगा जेड की जगह लिमिट अप्लाई कर दूँ तो ये माइनस जीरो e की पावर x प्लस और ये आ गया यानी कि e की पावर 2 x प्लस y माइनस e की पावर x प्लस y अब आगे करते हैं इसका y के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखना e की पावर 2 x प्लस y ऐसा वैसा ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा फिर माइनस इसका ऐसा वैसा और dx अब वापस आप y की जगह लिमिट पर कर रहे हो तो ये x माइनस x फिर माइनस ये 0 फिर माइनस माइनस प्लस और ये 0 क्लियर यहां से x प्लस x 2x 2x 4x आगे चलते हैं आगे देखना इसका इंटीग्रेशन अब किसके रिस्पेक्ट में होगा x के रिस्पेक्ट में होगा 0 टू a e की पावर 4x by 2 माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x by 2 प्लस e की पावर x और dx अब देखना 0 से सॉरी e की पावर x का e की पावर x तो e की पावर 4x बटे इनटू क्या आएगा मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में 4 माइनस e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2x अपॉन 4 प्लस e की पावर x और लिमिट 0 टू a अब इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखना e की पावर 4a अपॉन 8 माइनस e की पावर 2a अपॉन 2 माइनस e की पावर 2a अपॉन 4 प्लस e की पावर a फिर माइनस लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट e की पावर 0 मतलब 1 अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 ये क्या आएगा इसका फाइनल रिजल्ट इसको क्या करना है आपको एक जगह ऐड करना है कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो मैं लिख रहा हूँ वो आएगा आपके पास 1 बाई 8 e की पावर 4a माइनस 6 e की पावर 2a प्लस 8 e की पावर a माइनस 3 ये क्या आएगा आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट करना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
जीरो टू एक्स प्लस लॉग वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जे डी एक्स डी वाई डी जे। वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, उसके बाद कंप्लीट आप खुद करना है इसको। सबसे पहले एक्स और वाई में फंक्शन है, मतलब किसका है, जेड का है, तो जेड के रिस्पेक्ट में होगा, तो जीरो टू लॉग टू जीरो टू एक्स प्लस लॉग वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड डी जेड डी एक्स डी वाई। क्लियर? यहाँ से आप इसका जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो टू लॉग टू जीरो टू एक्स क्या हो जाएगा, ये कहिए ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो टू एक्स प्लस लॉग वाई डी एक्स डी वाई। लिमिट पुट करें तो जेड की जगह तो जीरो टू लॉग टू जीरो टू एक्स, तो देखना ये क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस लॉग वाई माइनस ये जीरो ई की पावर एक्स प्लस वाई एंड डी एक्स डी वाई। आगे चलते हैं, जीरो टू लॉग टू जीरो टू एक्स, ये एक्स प्लस एक्स टू एक्स ई की पावर टू एक्स प्लस वाई प्लस लॉग वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में, तो देखना 0 टू log 2 0 टू x e की पावर 2x प्लस y, इसको अलग अलग कर लो, तो ये क्या बन जाएगा e की पावर log y, इसको दो जगह कर लो, एक तो e की पावर 2x प्लस y एक जगह कर लो और e की पावर इसको अलग कर लो माइनस e की पावर x प्लस y dy dx। ये हो जाएगा, ये e से log कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, y बचेगा, तो 0 टू log 2 0 टू x y e की पावर 2x प्लस y माइनस e की पावर x प्लस y dy dx। क्लियर है यहां तक? अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में, इसका भी y के रिस्पेक्ट में। इसका जो इंटीग्रेशन करोगे वो किससे करोगे, आप आई लेट लगाओगे, इसमें क्या लगाओगे, आई लेट लगाओगे, यानी u इंटू v से क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। 12th क्लास में आई लेट पढ़ा होगा आपने, पहले इसका इंटीग्रेशन ये ऐसा वैसा, फिर माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर डिफ्रेंशिएशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये आपको कंप्लीट करना है। इसके आगे फाइनल रिजल्ट में लिख रहा हूँ, इसके बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यहीं तक था कि यहाँ से कैसे करें, स्टूडेंट भी यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ कैसे करें, तो दो जगह लिख देना फिर आई लेट लगा देना। आगे पूरा क्वेश्चन सेम है, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा 8/3 log 2 माइनस 19/9। ये क्वेश्चन एक और कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करके देखने हैं। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन है माइनस ए से ए माइनस बी से बी माइनस सी टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। एक क्वेश्चन है 0 to 1 माइनस एक्स 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन की पावर 3, ये करना है। एक क्वेश्चन 0 to 1 एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड
ये तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, इनके आंसर में लिख देता हूँ। देखना इनके जो आंसर है वो मैं लिख रहा हूँ, पहले वाले का आंसर होगा एट बाई थ्री, ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड वाले का आंसर होगा वन बाई टू लॉग टू माइनस फाइव अपॉन सिक्सटीन, और थर्ड वाले का होगा टू थ्री। तीनों क्वेश्चन करने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा आगे वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें, वो आता है जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट निकाल के मान निकालना। तो लिमिट निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे आपको कोई भी लिमिट दी हुई हो, ठीक है, जैसे कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर वन, ठीक है, इसकी क्या करनी है आपको, ये एक बोले इससे क्या है आपका जो एरिया है वो बाउंड किया गया है, तो इससे आप क्या करोगे सारी लिमिट निकालोगे। सबसे पहले आपको जेड की लिमिट निकालनी है, जेड की लिमिट निकालने के लिए जेड के बराबर ले जाओ इसको, वन माइनस एक्स माइनस वाई, ये लिमिट किसकी होगी जेड की। और जब आपको वाई की लिमिट निकालनी है इसमें, तो जेड को जीरो कर दो, जेड को क्या कर दो जीरो, तो एक्स प्लस वाई बराबर वन, यानी कि वाई की लिमिट क्या होगी वन माइनस एक्स। और जब आपको एक्स की लिमिट निकालनी है तो वाई और जेड दोनों को क्या कर दो जीरो कर दो, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा वन। ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाएगा तो एग्जाम में इसी टाइप से एक छोटा सा क्वेश्चन ट्रिपल इंटीग्रेशन का पूछा जाएगा। ज़्यादा इसमें आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, डीपली जाओगे तो ये कन्फ्यूज करेगा आपको। तो सीधा सा तरीका है, ये एक छोटा सा तरीका आप ध्यान में रख लेना। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, इवैल्यूएट इवैल्यूएट एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड वेयर द रीजन, वेयर द रीजन वी इज एनक्लोज्ड बाई बाई द प्लेन्स x बराबर जीरो y बराबर जीरो एंड x प्लस y प्लस जेड बराबर a। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, जहां ये बोल रहा है एरिया आपका प्लेन x बराबर जीरो y बराबर जीरो एंड z बराबर जीरो, ये तीन कंडीशन दी हुई है, x बराबर 0, y बराबर 0 एंड z बराबर 0, और साथ में x प्लस y प्लस z बराबर 1। इससे क्या है, ये गिरा हुआ है, ये पार्ट क्या है, इससे गिरा हुआ है या इससे बंद किया गया है। तो देखना आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इंटीग्रेशन की लिमिट निकालनी है। अब देखो लोअर लिमिट तो दी हुई है x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, हमें क्या निकालनी है अपर लिमिट। तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक पे हमें चलना है, v x स्क्वायर dx dy dz बराबर लोअर लिमिट हमें पता है इसकी, x बराबर 0 है y बराबर 0 है। अब देखना सबसे पहले z को लिमिट निकालने के लिए इन दोनों को उधर ले जाओ, तो z बराबर a माइनस x माइनस y, और साथ में z बराबर 0, ये लिमिट तो किसकी हो गई z की हो गई। y की लिमिट निकालने के लिए z को क्या कर दो 0 कर दो, z को क्या करना है 0 करना है, तो z 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास x प्लस y बराबर a, यानी कि y बराबर a माइनस x। तो y की लिमिट अपने पास y बराबर 1 तो 0 दिया हुआ है, एक y बराबर a माइनस x हो गया, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें x की लिमिट चाहिए, तो y और z दोनों को 0 कर दो, तो x बराबर a, तो इसकी लिमिट क्या रहेगी x बराबर 0 टू x बराबर a, ये तीनों लिमिट हमारे पास आ गई, यहाँ पुट कर दो
x की लिमिट क्या है 0 टू a, इसकी क्या है 0 टू a माइनस x, इसकी क्या है a माइनस x माइनस y, और जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है आपको दिया हुआ है x स्क्वायर dx dy dz। लिमिट मिल गई, इंटीग्रेशन करना है, ये जो लिमिट दी हुई है वो लगानी है, तो देखना 0 टू a, 0 टू a माइनस x, 0 टू a माइनस x माइनस y, सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में होगा, तो x स्क्वायर dz dy dx dy, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 टू a, 0 टू a माइनस x, x स्क्वायर z, 0 टू a माइनस x माइनस y dx dy। आगे देखना, लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो इधर वाला तो 0 से a, 0 से a माइनस x एंड x स्क्वायर a माइनस x माइनस y dx dy, 0 टू a, 0 टू a माइनस x, x स्क्वायर a माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर y dx dy। अब किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, तो 0 टू a, इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर ay माइनस x क्यूब y माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर बटे 2 एंड 0 टू a माइनस x और dx, लिमिट अप्लाई कर दो 0 टू a x स्क्वायर a माइनस x माइनस x क्यूब a माइनस x माइनस x स्क्वायर a माइनस x का होल स्क्वायर बाय 2 एंड dx। अब आपको क्या करना है, पूरा फंक्शन x में आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना और सारी टर्म को अलग अलग कर लेना, अलग अलग करने के बाद आपको x के रिस्पेक्ट में एक बार दोबारा इंटीग्रेशन करना है और लिमिट रखनी है। लिमिट रखने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा वो मैं लिख रहा हूँ, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/60 a की पावर 5। यहां तक क्लियर है, सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, अलग अलग कर लेना, तो x के टर्म में है डायरेक्ट x की पावर n का फॉर्मूला लगा के इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट लगानी है, लिमिट लगाने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो क्लियर होगा क्वेश्चन, इसी प्रकार का इसमें या तो पूछेगा जो फर्स्ट टाइप किया है उस पे या इस पे, और एक इसमें लास्ट टॉपिक फिर बच जाता है, उसका नाम है ड्रिकले, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ड्रिकले, के ऊपर अपन एक या दो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ड्रिकले ने इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया था। थैंक यू, धन्यवाद। और एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट सूचना, 22 तारीख रविवार को सभी जनता कर्फ्यू का पालन जरूर करें, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जागरूकता फैलाएं, जो महामारी फैल रही है इस वक्त कोरोना नाम की, तो सभी उसमें सपोर्ट करें, संडे वाले दिन कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, और संडे वाले दिन ही नहीं मोस्टली इस वक्त कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, जब तक कोई काफ़ी अर्जेंट काम ना हो, कोई ज़रूरी काम होने पर ही आप घर से बाहर निकले, लेकिन संडे को चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो आप घर पे रहें और साथ दें, देश को बचाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।